नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। भारतीय रेलवे के द्वारा रीवा को एक और नई ट्रेन की सौगात दी गई है। अब रीवा से नागपुर के इतवारी स्टेशन के लिए रोजाना एक नई ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही जबलपुर से चंद्रापोर्ट के लिए भी एक नई ट्रेन की घोषणा रेलवे के द्वारा की गई है। ये दोनों ही ट्रेनें एक्सप्रेस ट्रेन होंगी। नई ट्रेन संचालन की खबर से रीवा सहित आसपास के जिलों में खुशी का माहौल है। इससे पहले रीवा से नागपुर के लिए एक ही ट्रेन थी जो साप्ताहिक थी, कोरोना की वजह से वह भी बंद है, जिसकी वजह से रीवा समेत विंध्य के लोगों को नागपुर जाने के लिए बसों का सहारा लेना पड़ता था। विंध्य से अधिकांश लोग नागपुर इलाज के लिए जाते हैं और बसों का किराया काफी महंगा पड़ता है, इसलिए रीवा से नागपुर के लिए डेली ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे रेलवे मंत्रालय ने स्वीकार कर रीवा से इतवारी नागपुर से लगभग 4 किलोमीटर दूर के लिए एक नई ट्रेन चलाई है। रीवा से यह ट्रेन शाम 5:20 पर निकलेगी और अगले दिन सुबह 7:25 पर इतवारी स्टेशन पहुंचेगी, जबकि इतवारी स्टेशन से यह ट्रेन 8:30 सुबह रीवा के लिए रवाना होगी और उसी दिन शाम 6:30 रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। आपको बता दें कि रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन के पहले रीवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रीवा केवड़िया ट्रेन की भी सौगात दी गई थी। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया के लिए पीएम मोदी ने देशभर से 8 ट्रेनों की सौगातें दी थी, जिसमें एक रीवा केवड़िया भी शामिल है। खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।